इस चेस्ट में आ सकते हैं 1500 आइटम और इसको डबल कर भी दे तो इस पर आ सकते हैं 3000 आइटम। और आज हम ऐसी चेस्ट बनाने वाले जिस पर आ सकते हैं लिटरली 8 मिलियन आइटम्स। सो इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ेगी, पर अधिकतर सामान मेरे पास है और सबसे ज्यादा मुझे आयरन लगेगी। तो आयरन मेरे पास बहुत सारे हैं क्योंकि जब मैं पिछले एपिसोड पर माइनिंग पर गया था मुझे बहुत सारे आयरन मिले थे। सब में से कलेक्ट कर लेते हैं कि आयरन के बाद आता है बहुत सारी लकड़ियाँ, क्योंकि लकड़ियों से मुझे बनाने बहुत सारी चेस्ट जिससे अपन सॉर्टिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए, तो लकड़ियाँ इकट्ठा करने स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैंने 9 से 10 स्टैक्स तक वुड काट लिए हैं। आई थिंक इतना इनफ होगा, अगर इनफ नहीं होगा तो और काट लेंगे। और इतने सारे लॉक की जितना भी चेस्ट बन सकते उतना हम बनाएंगे। मेरे पास 4.5 स्टैक्स तक चेस्ट हो चुके हैं, आई थिंक इतना इनफ रहेंगे। अब मुझे जरूरत है येलो कॉन्क्रीट की, और येलो कॉन्क्रीट बनती है ग्रेवल और सैंड से। सो कुछ फायरवर्क रॉकेट लेते हैं, चलते हैं सामान लेने की ओर। और मुझे येलो डाई भी चाहिए। ओके, मुझे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेवल मिल चुके हैं, सारे ग्रेवल इकट्ठा कर लेते हैं। भाई लिटरली वहाँ बहुत सारे ग्रेवल हैं। भाई देखो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तो ये सोच रहा था कि इसके बाद कौन सा घर जाया जाए, पर यहाँ पर इतने सारे ग्रेवल कि मुझे लगता है यहाँ बस काम हो जाएगा मेरा। ओके, सो मेरे पास हो चुके हैं बहुत सारे ग्रेवल्स। तो मेरे पास हो चुके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से 10 स्टैक तक ग्रेवल हो चुके हैं मेरे पास। सो आई थिंक ये कम पड़ेंगे, तो यहाँ पर से ग्रेवल मैं हटा लूंगा पूरे ग्रेवल। भाई यहाँ पर बहुत सारे हैं, लिटरली बहुत सारे हैं। हाँ यहाँ पर तो मैं ठीक कर लूंगा, पर देखते हैं मेरे पास कितने सारे ग्रेवल्स हो चुके हैं। इसके बाद मेरे पास 3-4 स्टैक और हो चुके हैं। आई थिंक इतना इनफ रहेगा क्योंकि इससे 8 कॉन्क्रीट पाउडर बनेंगे। अब मुझे चाहिए होगा रेत। हाँ, हमारे घर से 2000 ब्लॉक दूर एक डेजर्ट था, उसके अंदर हम आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पर रेत की कमी तो होती नहीं है। खैर मेरे घर के पास भी रेत की कमी नहीं थी, पर मुझे टेराकोटा चाहिए था, वो जो मेहरून कलर का होता है, वो देखो पीछे पर है वो वाली। और सिर्फ मेरे को 2 ब्लॉक चाहिए, फिर भी मैंने इतनी मेहनत की, इतने दूर आते। सो मेरे पास 15 स्टैक्स तक सैंड जमा हो चुकी है। पहले इसको सल्कर बॉक्स में डाल देता हूँ, देन मुझे जाना होगा टेराकोटा के लिए। ओ भाई ये भी भर गया। ओके, मुझे ये कलर की टेराकोटा चाहिए थे। ओके, इतना काफ़ी है, तो यहाँ से चलते हैं। भाई घर जाते वक्त देखो मुझे क्या मिला, देखते इसमें क्या लूट है। ओके, एक फायर प्रोटेक्शन की शूज़, एक सवल और एक हेलमेट और कुछ आयरन नगेट्स। भाई पर इसमें सबसे काम की चीज़ मुझे लगी ये चेस्ट। पहली बार चेस्ट मिलने के बाद इतनी खुशी हुई। और ये डायमंड ब्लॉक कैसे भूल सकता हूँ। ये देखो ये दे रहा है जंगल सैपलिंग्स और उसके अलावा डैंडेलियन, मतलब कि येलो कलर की फ्लावर। भाई क्या हो गया है तुझे। ओके, सो अब वक्त है येलो कॉन्क्रीट बनाने का। 1, 2, 3, 4 स्टैक्स बहुत ज़्यादा कम है भाई, मेरे को येलो कलर की बहुत सारी चाहिए। ओके, सो तब की तब देखते हैं, अभी इसको रखते हैं सल्कर बॉक्स पर। ओके, सो मेरे पास रेडस्टोन टॉर्च और रिपीटर वगैरह मेरे पास इकट्ठा पहले से ही है, क्योंकि जब मैं माइनिंग पर गया था मेरे पास बहुत सारे रेडस्टोन हो चुके थे। और आयरन भी वहीं से लेकर आकर मेल्ट कर लूंगा, इससे मेरे पास हॉपर ही बहुत सारे बन जाएंगे। और ब्लैक कलर की ब्लॉक के लिए मैं डीप स्लेट का यूज़ करूंगा, जिसको पॉलिश डीप स्लेट बोलते हैं, मतलब कि डीप स्लेट को ही पॉलिश करके करूंगा यूज़। तो फाइनली मेरे पास सारे सामान इकट्ठा हो चुके हैं, तो मैं बनाने स्टार्ट कर सकता हूँ। जल्दी से बनाने स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस मेरी चेस्ट की बिल्डिंग बन के रेडी हो चुकी है, क्या तुम लोग देखना चाहते हो। भाई यस बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको तो दिखानी पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे लिए बनाई है। 3, 2, 1 बूम। भाई देखो कितनी बड़ी और कितनी प्यारी लग रही है। मैं इसका तुम लोग को चारों ओर से ओवरव्यू दे देता हूँ। ये देखो भाई कितनी बड़ी है। अरे ऊपर चल भाई, थोड़ी बहुत लैग कर रही होगी, इसके लिए सॉरी, क्योंकि फोन मेरी गर्म हो चुकी है। हाँ ये फोन पर रिकॉर्ड कर रहा। और यहाँ से मेरे को एक गेट बनाना है जो कि ऊपर की फ्लोर और नीचे की फ्लोर दोनों को कवर करेगी, मतलब दोनों में हम एक साथ जा सकते हैं। और देखो भाई इसके अंदर जाकर तुमको दिखाता हूँ, इसके अंदर पे है अभी तो कुछ नहीं है, पर इसके अंदर भी बनाऊंगा सॉर्टिंग सिस्टम, यहाँ पास और यहाँ पास और ऊपर भी चारों ओर।
और भाई इस पे नीचे साइड में हो सकती है 4 मिलियंस आइटम्स, मतलब इकट्ठी 4 मिलियंस आइटम हो सकती है और ऊपर में भी इकट्ठी 4 मिलियंस आइटम हो सकती है। मतलब कि भाई सोचो कितने सारे आइटम्स अपना इकट्ठे कर सकते हैं। फिलहाल तो भाई टॉर्च लेकर आता हूँ मैं। ओके भाई मैंने अंदर बहुत सारी टॉर्च तो लगा ही दी है और यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक पूरी सॉर्टिंग सिस्टम बनेगी और यहाँ पर बहुत सारी सामान आ सकती है। नीचे पे 4 मिलियन, ऊपर पर 4 मिलियन मैंने तुमको बना के रखी है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर बनेगी। सो यहाँ पर 7 से यहाँ तक बनेगी, यहाँ से वहाँ तक और इधर बनेगी यहाँ से वहाँ तक। मतलब कि भाई बहुत जगह घेरने वाली, इस कारण मैं सिर्फ डबल चेस्ट की बनाने वाला हूँ। मतलब डबल चेस्ट और 2 हाइट की, मतलब कि ये और ये इतनी हाइट होनी चाहिए और इतनी चेस्ट लाइन से और इधर भी लाइन से। तो भाई इसको अभी तोड़ लेते हैं और पूरी बनाने के बाद तुम लोग को मिलता हूँ। भाई टाइमलेस के लिए रेडी हो जाओ। ओके सो सॉर्टिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फाइनली अपन ने बिल्ड कंप्लीट कर ली है और बाहर देखो भाई कितनी जोरों से बारिश हो रही है रात को। और इस पर मैंने दरवाजे इस तरह लगाया है और नीचे पे ट्रैप डोर लगा दिया ताकि इसको खोलकर इसे इससे और इससे ऊपर जा सके और इसे फिर से बंद कर सके, क्योंकि इसके ऊपर में जॉम्बीज नहीं आने चाहिए भाई। अगर क्रीपर आ गए इसके ऊपर में पूरा मेरा मशीन का कबाड़ा हो जाएगा। बहुत मुश्किल से बनाई मैंने भाई सॉर्टिंग सिस्टम, पूरी वहां से वहां तक इसे कनेक्ट तो कर ही ली है, बस इसे टेस्ट करना बाकी रह गया है। सो ही फिलहाल मेरे पास बहुत सारे डायमंड, लिटरली भाई बहुत सारे डायमंड, मतलब ठीक ठाक है। और एक और सर्कल बॉक्स में बहुत सारे रेडस्टोन और कोल, तो मैं यहाँ पास 3 चीजों की बनाने वाला हूँ, एक रेडस्टोन और डायमंड और कोल की, हाँ और लैपिस लाजुली की, मतलब 4 बनाने वाला हूँ और टेस्ट करके देखेंगे कि ये काम करती है नहीं करती। और पास 6 लेदर है। ओके सबसे पहले और स्टिक्स बना लेते हैं। ओ माँ की आँख, ये क्या है भाई, ट्राइडेंट, ये कहाँ से मिला भाई? लिटरली मुझे अचानक से पता चला कि मेरे पास ट्राइडेंट है भाई। ट्राइडेंट सच में नहीं पता कहाँ से आया। अच्छा मुझे याद आया, जब बहुत सारी ये इकट्ठा कर रहा था इंक सेक, तब बहुत सारे मैंने पानी वाले जानवरों को मारा था, मतलब कि जॉम्बीज को, मॉब को मारा था। उसमें से किसी ने ट्राइडेंट रखा था, बहुत लोगों ने ट्राइडेंट रखा था पर मैंने मार दिया था, तो भाई उन्हीं में से किसी ने दिया होगा। भाई क्या लक है यार मेरे पास। अब आइटम फ्रेम बना लेते हैं। ये रहा आइटम फ्रेम, जो जितना बन सके उतना बना लेते हैं। कितना बना? 6 आइटम फ्रेम बन गया, काफी है भाई इतना। वैसे मेरे को इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ ये 41 पर आकर रुक चुका है। और इसमें अपन रखते हैं कोल, सेकंड में कोल रहेगा और थर्ड में क्या रखे, थर्ड में रख देते हैं येलो कंक्रीट, फोर्थ में रख देते हैं रेडस्टोन डस्ट। यहाँ पास आइटम में भी नाम दे देते हैं, डायमंड, कोल, येलो कंक्रीट एंड रेडस्टोन डस्ट। और ये चारों को इस पर डाल देते हैं, इसको 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 और इसको। ओके इसमें 22 आ चुका है, इसमें 1 स्टेक्स और 7 आ चुके हैं, येलो कॉन्क्रीट 29 आ चुका है और रेस्ट ऑन डस्ट कितना आ चुका है, रेस्ट ऑन डस्ट भी आ चुका है। ओके फाइनली ये काम कर रहा है कि डायमंड अभी आ रहे क्या, लास्ट में रखा था मैंने डायमंड। और जैसे कि मैं इस पर सुगर कैन रखूं तो देखते हैं, सुगर कैन शायद तक इस पर आएगा, सुगर कैन आई थिंक इस पर आएगा। ओके इस पर रुक गया तो अपन रख लेते हैं। ओके सो फ्यूचर में मैं इसका सेकंड फ्लोर बनाऊंगा और इसको थोड़ी बड़ी करूंगा यहाँ से गोल, जिससे मैं उड़ के सीधा अंदर जा सकूं। अभी के लिए फिलहाल इतने ही ठीक है। और भाई चीटिंग मैंने नहीं किया डायमंड्स के लिए, क्योंकि मैंने अलग से माइनिंग की थी और वीडियो ही बना रखी है। अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। सो फाइनली हमने बिल्ड कंप्लीट कर दिया। अगर ये वीडियो तुम लोग अच्छी तो लाइक करना, सो मिलते हैं यूट्यूब पे, गुड बाय। और भाई कमेंट जरूर बताना कि ये वीडियो तुम लोग को कैसी लगी, और जितने लाइक आएंगे उससे 10 गुना ज्यादा कैरेट की फॉर्म लगाऊंगा। अगर इसमें 10,000 आए तो 40,000 मैं कैरेट का फॉर्म बनाऊंगा। मतलब कि पता है भाई आने तो नहीं वाले, मुश्किल से एक आएंगे या दो आएंगे। सो गुड बाय।